गुरुग्राम में बारिश ने फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे में इस जलजमाव के कारण लंबा जाम लग गया है। बताया जा रहा है कि करीब 5 किलोमीटर का लंबा जाम गुरुग्राम जयपुर मार्ग पर है और फिलहाल जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस जाम को हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें हैं गुरुग्राम जयपुर हाईवे की, जहां पर बारिश के बाद जहां पर मौसम तो सुहाना हो गया है लेकिन इस बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। और ये दो तस्वीरें आप खुद को देखिए दिखा रहे हैं गुरुग्राम के, देखिए बारिश के बाद किस कदर जल जमाव नज़र आ रहा है। और ये प्री मानसून हमारी तैयारी है, देखिए गाड़ी का पूरा जो पहिया है वो डूब चुका है। तकरीबन 3 से 4 फुट तक का ये वाटर लॉगिंग है, 4 से 5 फुट भी कई कई जगहों पर पानी जमा हो चुका है। नतीजा ट्रैफिक की रफ्तार में ब्रेक लग गया। ये देखिए गाड़ी किस कदर डूबी हुई है। ये गुरुग्राम की सड़कें, ये तब है जब अभी तक मानसून ने ऑफिशियली दस्तक नहीं दी है। जी दिल्ली NCR हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उन लोगों को जवाब है जो लगातार ये दावा करते थे, प्रशासनिक लोगों की तरफ से जो दावा ये किया जाता था कि मानसून को लेकर सभी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है। अभी मानसून ने दस्तक दी नहीं है, ये प्री मानसून बारिश भी नहीं है, ये एक चक्रवाती तूफान का असर है। और उसके बाद जो बारिश हुई है उसने गुरुग्राम का क्या हाल किया है वो आप इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। और जब आप जाम में फंसते होंगे तो आप खुद से सवाल करते होंगे कि आखिरकार आधे घंटे की बारिश में क्या वजह होती है कि ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। ये वजह है प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही, प्रशासनिक तंत्र का लचीलापन, प्रशासनिक तंत्र का की हीला हवाली है जो ये स्थिति है। और ये पानी अगर जमा हुआ इसका सीधा मतलब ये है कि पानी को निकलने के लिए जमा नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब होगा, पानी को निकलने के लिए कहीं से जगह नहीं मिला होगा, नतीजा वाटर लॉगिंग है। और किस कदर जाम वाटर लॉगिंग है, कहीं पर 5-4 5-5 फुट तक का पानी सड़क पर जमा हो चुका है। देखिए ये पिकअप है, ये बस है, देखिए छोटी बस है, बस का पूरा पहिया, मतलब अगर आधे घंटे और बारिश हो जाए तो फिर बस डूब जाए, ये स्थिति बन गई है। योगेश कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, गुरुग्राम का निगम, गुरुग्राम का प्रशासन बारिश की क्या तैयारी कर रहा था? ये तो सबको पता है कि जून एंड और जुलाई तक मानसून दस्तक दे देगा, अभी ऑफिशियली मानसून ने हरियाणा में दस्तक नहीं दी है और तब ये हाल है, मतलब मानसून की कोई तैयारी प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है कि बिल्कुल अभी के हालात अगर देखकर तो ऐसे लगता है कि शायद जिस तरह से तैयारी नहीं की गई। हालांकि ये दावा जरूर किया गया था कि इस बार मानसून में जलभराव नहीं होने देंगे, उसके बावजूद भी अब स्थिति जो है वो साफ नजर आ रही है कि किस तरह के प्रयास और जो है ये प्रयत्न इन्होंने किए होंगे। ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह की कार्यशैली गुरुग्राम के निगम अधिकारियों के और किस तरह स्तर पर इन पर काम किया गया था। ड्रेनेज की सफाई का वादे और दावे किए थे लेकिन तमाम तस्वीरें वादे और दावे इसमें झूलते हुए नजर आ रहे हैं। दरिया बन चुका है पूरा साइबर सिटी गुरुग्राम। अगर बात करूं मैं हाईवे की, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की, तो यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। चाहे खेड़ की दौला से आप गुरुग्राम की ओर आ रहे हैं वहां पर तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, या फिर अगर आप दिल्ली की ओर से आ रहे हैं तो हीरोना चौक से लेकर खेड़ की दौला टोल तक जाम लगा हुआ है। इतना ब्लॉकेज होने के बाद जो है सर्विस रोड पर जो गाड़ियां निकलने का प्रयास कर रही थी जलभराव के कारण वो जो है खराब हो गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ गाड़ियां जलभराव में फंस गई हैं और ये तस्वीरें इस बार की नहीं बल्कि पिछले 10 साल से लगातार यही हालात चल रहे हैं। हालांकि 2016 में जब महाजाम की स्थिति बनी थी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर एरियल सर्वे किया था और बादशाहपुर ड्रेन को दुरुस्त करके जलभराव की स्थिति को से निजात देने का दावा किया था। 7 साल बीत जाने के बावजूद भी साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें दस की तस है, हालात दस के तस है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस जानकारी के लिए।